हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है एचपी पवेलियन। ये मशीन होती है जिसका मॉडल मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ, जिसका मॉडल 15CX है। ये गेमिंग टाइप मशीन है। वैसे तो पवेलियन सीरीज गेमिंग नहीं होती है, हम अपने वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं, पर इन्होंने इस तरीके से इसे डिजाइन किया है। आप देखोगे पूरा गेमिंग की तरीके से ही इसको डिजाइन किया गया है। ये एचपी का लैपटॉप पवेलियन सीरीज वैसे गेमिंग नहीं होती है इसकी, आपको तो ये जो बनाया है लैपटॉप हम आपको दिखाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है ये ब्लू स्क्रीन दे देता है और बहुत ही स्लो चलता है। अभी तो इसकी विंडो करप्ट हो गई है। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये प्रॉब्लम होती है सर, जो आजकल हार्ड डिस्क आ रही है वो 5400 RPM में आ रही है और जो हमारी विंडो 10 इंस्टॉल होती है इस पे, ये उसी में प्रॉब्लम मोस्टली करती है, क्योंकि विंडो 7 जो होती है बहुत हल्की विंडो होती थी और जो विंडो 10 आई है बहुत हैवी वर्जन हो गया है। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स ऐसी होती है जो वर्क करती रहती है, जिसकी वजह से ये हार्ड डिस्क पे स्लो करता है मशीन को। तो हार्ड डिस्क पे यदि हम विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो हमारी विंडो बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस करेगी। इसके लिए हमें SSD लगानी होती है। ये आप देख पाओगे एक SSD हमारे पास है, M.2 SSD इसको हम बोलते हैं। तो इस सिस्टम में हम लगाएंगे और विंडो की स्पीड आपकी 10 से 15 गुना स्पीड फास्ट हो जाएगी। डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। तो चलो हम दिखाते हैं आपको SSD एक लैपटॉप में SSD कैसे लगाते हैं। ये तो हमने बताया कि क्यों लगाते हैं, अब हम आपको बताएंगे कि SSD कैसे लगाते हैं। आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम SSD कैसे लगाते हैं। पहले हम इसको खोल लेते हैं। SSD लगाने के लिए हमने सबसे पहले बैटरी बाहर निकाल लेते हैं। हमने स्क्रू खोले हुए हैं, हमने कस्टमर को दिखाया था। तो ये यहाँ पे इसमें आप देखोगे ये स्लॉट होता है SSD का, ये स्लॉट M.2 का भी स्लॉट होता है, NVMe का भी स्लॉट होता है। और आप ये देखोगे ये हमारी हार्ड डिस्क इस पे पहले से ही लगी हुई है, साटा हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई है और हमारी ये मशीन बहुत ही स्लो चल रही है। कॉन्फ़िगरेशन बड़ी हाई है इस मशीन की, i7 8th generation है, फिर भी ये दिक्कत कर रही है। तो इसलिए हम इसमें अब M.2 SSD लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे आधे ही घंटे में विंडो रेडी हो जाती है और हमारी मशीन भी सुपर फास्ट चलने लगती है। कारण क्या, हमने आपको पहले ही बताया है इसमें कारण क्या होता है। कारण होता है कि जो ये फाइलें होती हैं इसकी विंडो 10 वाली, वो वाली फाइलें बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा होती हैं और जो इस वजह से हमारी मशीन स्लो चलती है। SSD पे क्या होता है, आप देखोगे बहुत छोटी सी चिप लगी हुई है। हार्ड डिस्क पे क्या होता है, हमारा मीडिया जो होता है मीडिया घूम के काम करता है। इस पे एक चिप होती है जो डाटा ट्रांसफर डायरेक्ट ही करती है मदरबोर्ड पे, उसमें मीडिया घूमने की वो नहीं होती है। इसमें हार्ड डिस्क में जो देखते हैं जो वो मीडिया घूमता है, जिस वजह से हमारी मशीन स्लो चलती है। हमने SSD लगा दी है। यदि आपके लैपटॉप में भी ये स्लो की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि हमारी मशीन स्लो चल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है और आप मशीन फेंकने जा रहे हैं, तो ऐसा मत करें। हमारे पास ऐसा आता है कि हमें नई मशीन लेनी थी, हमने उसमें SSD लगा के दी, तो अब वही मशीनें यूज हो रही हैं। आपको भी यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। देखोगे SSD इंस्टॉल कर दिया है और SSD इंस्टॉल करने के बाद हम आपको लैपटॉप की स्पीड दिखाते हैं। ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लैपटॉप को, ये हमने ऑन कर दिया। आप सेकंड देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। अब जब डिस्प्ले अब ये आ गया है और हमारी विंडो स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। और आप इसे किसी इस वीडियो को आप किसी भी हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप से कंपेयर करके देखना, 15 times ये फास्टर हो जाता है लैपटॉप। अभी हमारी मशीन ओके हो गई है, क्लिक करते ही हम इसको खोलेंगे डिस्क कंप्यूटर, तो PC एकदम खुल जाएगा। ये आप नॉर्मल हार्ड डिस्क पे नहीं खोल पाओगे इतनी जल्दी कि ये क्लिक करने के बाद, ये नॉट रेस्पॉन्डिंग टाइप हो जाती है यदि हार्ड डिस्क लगी हुई है आपका लैपटॉप की विंडो हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल है तो।